हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, अभी आपने देखा सुबह सुबह का शेड्यूल, हम लोग फ्रेश हो रहे थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इस लोकेशन पे कैसे पहुँच गए। लास्ट वक्त में जो देखा आपने कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, धारकोट से हम नीचे की तरफ आए थे, तो वो पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग का था। तो मैंने सोचा कि क्या शूट करूँ, फिर वही रास्ता आपको दिखाऊं। और नीचे आते आते हमें करीब 4:30-5:30 हो गए थे, तो शाम हो गई थी। पर एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने, क्योंकि 2-3 दिन से नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा था हमारी सिम का। एयरटेल और जियो दोनों हमारे पास है, पर दोनों में से किसी का भी नेटवर्क सही नहीं चल रहा था। फिर इसलिए हमने ब्लॉग शुरू नहीं किया। तो हमने सोचा कि पहले हम अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग इधर जम्मू में आसपास मार्केट ढूंढते रहे कि हमें कहीं सिम की कोई शॉप मिल जाए तो हम कोई सिम ले लें, या फिर हमारी सिम में कोई रिचार्ज हो जाए तो ये नेटवर्क चलने लग जाए। तो काफ़ी देर हो गया, काफ़ी देर ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे उस इस तरीके से बड़े से मार्केट है नहीं, छोटी छोटी मार्केट है। तो उनमें 2-3 जगह पूछा तो फिर लोगों ने बताया कि बस स्टैंड की तरफ आप लोग जाओ। तो वहाँ जाके कहीं हमें शाम को 6 बजे के आसपास एक शॉप मिली, तब जाके फिर उसमें टाइम लगा काफ़ी। शायद आपने फिर सिम खरीद ली थी ना? हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि अब हम जम्मू में एंटर कर चुके हैं और हमारी जो आईडी वगैरह है वो सब दिल्ली की हैं। तो मैंने मतलब रिक्वेस्ट करी काफ़ी, तो जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने फिर मुझे अपनी आईडी से ही मतलब जो सिम थी वो एक्टिवेट करके दे दी। और फाइनली मतलब थैंक यू उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना हेल्प किया और अब जो है नेट की प्रॉब्लम फाइनली शॉर्ट आउट हुई है। तो जी, अब हम जो है वापस आ गए हैं रंजीत सागर लेक पे। तो यहीं हम रात भर रुके, यहीं पे सोए थे रात में। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है यार, दिन में तो यहाँ लोग काफ़ी आते रहते हैं और बहुत ही मतलब सुकून भरी, सामने झील है बड़ी सी, ये पूरी लेक बहुत ही सुंदर है और नज़ारे उससे भी ज़्यादा सुंदर है। आपको हाँ, दिखाते हैं पूरा व्यू। अगर आप इस तरफ आओ तो ज़रूर से इसको विजिट करना, आपका बहुत मन लगेगा। और अभी थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया था इसलिए यहाँ कैंपिंग वगैरह नहीं हो रही, बट कैंपिंग होती है, बहुत हरा भरा रहता है ये। जब यहाँ पे ये पानी नीचे चला जाएगा उसके बाद शुरू होती है कैंपिंग। तो चलिए फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का 360 व्यू और हम कर लेते हैं अपनी चाय की तैयारी। तो जी, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ का 360 व्यू और उधर पीछे कीर्ति लग गई है अपनी सेटिंग में, चाय वगैरह बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं और देखते हैं आज कीर्ति की किचन में क्या बन रहा है, पूछते हैं कीर्ति से। अभी फिलहाल तो चाय है, चाय बनेगी। अच्छा जी, क्योंकि सुबह सुबह अगर उठते ही चाय ना मिले तो फिर एक अच्छी वाली गुड मॉर्निंग नहीं लगती, तो पहले बनाते हैं चाय। चलो ठीक है। तो जी, ऐसी कुछ जगह हम रुके हुए हैं, अपना पूरा सेटअप रेडी है और पीछे प्यारा सा व्यू और झील, और साथ में पता है एक छोटू सा हमारे पास तालाब भी है। तो मुझे ये लोकेशन बहुत प्यारी लगी तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहीं पे कैंपिंग सेटअप करते हैं अपनी। और देखो जी, कमाल के नज़ारे यार, अल्टीमेट जगह है, बहुत ही प्यारी लगी मेरे को। और आपको ये नीचे की साइड ना, जब यहाँ पे पानी नहीं होता तो पूरा ये जो ग्राउंड है एकदम हरा भरा रहता है। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गीला गीला सा है क्योंकि पानी जो है उस जगह तक, वहाँ तक पहुँच गया था। तो जी मास्टर शेफ, आज खाली चाय पिलाने वाले हो क्या? नहीं, खाली चाय नहीं बनेगी, कुछ और भी बनने जा रहा है। और आज बनेगी, क्या बनेगा आज आप बताओगे? आज बनेगी मिर्ची के पकौड़े। अच्छा जी, यस, और गोभी के पकौड़े। तो भाई आज सुबह सुबह जो है चाय के साथ देखो आप तैयारी हो रही है, मिर्ची के पकौड़े और गोभी के पकौड़ों की। यस, तो बहुत ही टेस्टी वाली सुबह होने वाली है। और इधर रख दिया चाय का पानी। कीर्ति जो है यहाँ पे धो रही है सब्जी अपनी सिंक में और आज पकौड़ों की तैयारी, पता नहीं कब
इन्होंने बनाया है डिसीजन कि आज पकोड़े बनेंगे, मेरे को तो बताया भी नहीं, मुझे तो सरप्राइज कर दिया। तो मुझे खाली ये बोल के चाय बना रहे हैं और पकोड़ों का प्रोग्राम तैयार कर लिया जी। और मिर्च देखो कितनी बड़ी बड़ी है, तीखी वाली है ये? थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा वाली नहीं। देख लेना, ट्रिप करनी है पूरी। बहुत ज्यादा वाली होंगी, मेरे काम खराब हो जाएगा। तो ये तो खा के पता चलेगा। और गाइज मैं आपको बता रहा था कि मतलब बहुत प्यारी सी लोकेशन है, और अभी देखो आप थोड़ी सी भीड़ भड़क यहाँ पे बढ़ गई है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ गई हैं, और उधर पीछे की तरफ शूट चल रहा है, और जी भैंसे भी आ गई हैं यहाँ पे। और मुझे ये समझ में नहीं आया, हमें इधर से जाती तो ये दिखी नहीं, झील में से निकल के कहाँ से आई हैं? गरम गरम चाय और गोभी और मिर्च के पकोड़े। तो हम गोभी और मिर्च के ही बना रहे हैं या कुछ और भी डाल रही हो उसमें? प्याज और डाल दूंगी। प्याज और डाल दो यार, प्याज के मुझे मस्त लगते हैं। एक डाल दो चाय पर डाल दो। तो गाइज आज काफी दिनों के बाद हाँ जी, प्याज ऑन डिमांड। एक्चुअली मुझे पकोड़ों में ना प्याज और गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है, मिर्च के पकोड़े भी पसंद है, बट वो मैं थोड़े मतलब कम खाता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बात है यार, मिर्च के पकोड़े तो सारे अच्छे लगते हैं। मिर्च के पकोड़े आप ज्यादा खाते हो? हाँ, लग जब बन जाते हैं ना तो फिर बस यही मन करता है मिर्च के ही खाते हैं। स्पेशली बनवाते हैं कि अभी तो ये बूट वाली मिर्च के जो पकोड़े, क्योंकि ये तीखी नहीं होती, बेहद पसंद है। तो भाई मिर्च के, गोभी के और प्याज के मसाले वाले पकोड़े हम खा रहे हैं आज, ऐसी लोकेशन, शानदार वाली लोकेशन पे। तो बस मजा है यार, कैंपिंग का यही मजा है, खाओ पियो मस्त रहो, अच्छी अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर करो और आप लोगों को दिखाओ अच्छी अच्छी लोकेशन है। तो यही मजा है कैंपिंग का और कैंपिंग की कुकिंग का, इसीलिए हमने ये सारा कुछ अरेंजमेंट किया कि हम जहाँ भी रुके हैं तो अपने जो हम पसंद है, बेसिकली जो हमारा मन करता है वो हम खा सके, बना सके। तो इसीलिए हमने अपनी इस होंडा सिटी गाड़ी को कैंपर कार में कन्वर्ट किया, और अब ये पूरा पूरा साथ दे रही है हमारे खाने पीने में और मौज मस्ती में। इधर चाय का पानी जो है पूरा खोल चुका है, चीनी पत्ती सब, और अब जा रहा है इसके अंदर दूध। ऐसे क्यों निकल रहा है? ऐसे डर के डालोगी तो डरती हो, होता लड़की काम करती हुई। डर रही क्यों? और इसमें क्या है? वो फैल ना जाए इसलिए धीरे धीरे कर रही। तो यहाँ पे जो है जी पहला राउंड जो है तेल में जा चुका है, और देखो एकदम सब्जियाँ मस्त लग रही हैं भाई। और ऐसी लोकेशन पे मेरे ख्याल से किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये मिक्स पकोड़े भी बन सकते हैं, हमारे मास्टर शेफ ने ये करके दिखा दिया। तो मास्टर शेफ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कुकिंग करके? बेहद ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो यार, मेरे तो देख देख के मुंह में पानी आ रहा है, और ये मास्टर शेफ हमारे पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। और कुछ इस तरीके से सिक रहे हैं हमारे पकोड़े। और यार बहुत ही ना मजा आ रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है सही में, और बहुत ही प्यारा व्यू। हाँ ये देखो आप, कितनी मतलब सीनिक सी लोकेशन पे हमने कैंपिंग की हुई है, और टच वुड कितना प्यारा सेटअप लग रहा है अपना। इसमें कुछ और एड ऑन करना हो तो आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। बाकी आप बताना जरूर कि अब आपको बाकी मैं एक चीज बोलना चाहूँगी,
कि मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिडान गाड़ी में जितना हमने सेटअप बनाया है उससे और ज्यादा बेटर सेटअप और क्या बनेगा, खुद बताओ। ये भी है ना, तो इसमें मतलब करते तो बन सकता है। हाँ, इसमें हमने पूरा दिमाग लगाया है, पूरा दिमाग लगा के कर रहे हैं हम जितना जो कुछ कर सकते हैं। जैसे ये टेबल अब हमने बनवा ली तो मुझे काफ़ी इजी लग रहा है, इसको देख के पता चलता है कि कुकिंग वगैरह करने में आसानी रहती है। और बाकी भाई साहब गर्मा गर्म पकौड़े और व्यू तो बस अल्टीमेट भाई, गजब। दूर दूर तक पानी और पहाड़ और एकदम शांति। अभी बीच में थोड़ा सा मतलब भीड़ हो गई थी, भीड़ क्या, एक कपल आया था उसका शूट चल रहा था, वेडिंग शूट चल रहा था, तो वो चार पांच गाड़ियां थी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वो हो गया था। अदरवाइज मतलब एकदम शांत जगह है, देख के पता चलता है एकदम शांत। और बस अब रुका नहीं जा रहा यार, क्या कमाल से किया भाई। अब इसमें जो है गोभी के भी हैं, अच्छा प्याज के भी हैं और मिर्ची भी है, मिक्स है तो सब कुछ मिक्स। तो लीजिए भाई। अरे इतने यार, बारिश हो जाएगी यहाँ पे। तो लीजिए भाई, इतनी सुंदर सी और प्यारी सी लोकेशन। भाई साहब मजा ही मजा, एकदम ऐसी खुशबू आ रही है ना अल्टीमेट वाली। ये आपके, और ये देखो गाइस, सुबह सुबह इतना टेस्टी नाश्ता। जल्दी से बताओ किस किस ने किया, कमेंट करके बताना कि किस किस ने आज पकोड़े खाए हैं और किस किस को आज हमारे पकोड़े ये पसंद आए हैं। तो भाई ये है मिर्च के पकोड़े, ये वाले लग रहे हैं मेरे को गोभी का लग रहा है ये, और ये लग रहा है प्याज का, लग नहीं रहा है मतलब ये बाहर से दिख नहीं रहा ना। तो अभी ट्राई करते हैं सबसे पहले प्याज का पकौड़ा। पहले पानी आ रहा है, कमाल बने यार, कमाल कमाल। हमारे मास्टर शेफ की जितनी तारीफ करो उतनी कम है यार, इनके हाथ में जादू है। इतनी बेहतरीन लोकेशन हो, इतनी प्यारी सी लेक और इतना टेस्टी नाश्ता, और लाइफ में क्या चाहिए यार। और एक छोटी सी प्यारी सी लेक अभी के पीछे भी है, तो ये बड़ी लेक के छोटे से बच्चे भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास ही है तब से। और साथ में एक खजूर का पेड़ जिसकी परछाई भी पड़ रही है इस पे। हाँ। बहुत ही मस्त भी। तो गाइस रेड चटनी, ग्रीन चटनी और पकौड़े और चाय, और ये वाली चटनी जो है हमने खुद ही बनाई थी, ये रेडीमेड नहीं है, ये कीर्ति ने खुद बनाई थी। तो अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये मिर्च का पकोड़ा, और इसका शॉट पे पास से लेना चाहूंगी। तो गाइज ब्रेकफास्ट और लंच, आज तो ब्रंच ही हो गया, इतना हैवी मतलब ब्रंच करने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लें। मैं और कीर्ति आ गए थे लेक के बिल्कुल किनारे पे, तो जी यहाँ पे कीर्ति कर रही है रिलैक्स। कैसा लग रहा है कीर्ति को? बहुत ही सुकून मिल रहा है, और इतनी प्यारी सी लोकेशन है, दिल्ली में ऐसी लोकेशन मिलती कहाँ है, तो मैं अब तो पूरा फील ले रही हूँ। अभी आराम से आज लंच तो बनाना नहीं है क्योंकि इतना हैवी पकौड़े वगैरह हो गए हैं, तो अब बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है। शाम को भी कुछ हल्का सा बनाऊंगी, तो अभी फिलहाल जो है रिलैक्स टाइम चल रहा है, पूरा लोकेशन का फील लिया जा रहा है।